ये वाला बना कहीं दिक्कत कहाँ पे आ रहा है? कहाँ पे दिक्कत आ रहा है बताएगा आप? आ रहा है सिंपल है कि चल एलएचएस है, एलएचएस में क्या दे रखा है बताओ तो, लिखो जल्दी लिखो क्या दे रखा है एलएचएस में। कॉस से की है, चल ठीक है, कॉस से ए माइनस साइन ए, कॉस से ए माइनस साइन ए, साइन ए इनटू कॉस से ए माइनस कॉस ए, कॉस ए जो कोई चीज भी कोई भी सवाल को तुमको बनाने से पहले तुमको सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि उसको कोई एक फॉर्मेट लगा। जैसे कि मान लो कि पास से एक किलो गेहूँ है, ठीक है ना, कोई के पास एक किलो चावल है, तुमको कहा अच्छा लगेगा यार ये दोनों को अलग अलग कैसे ढो के फिरे, ठीक है, वो क्या करना आदमी का चाहेगा दोनों को आपस में मिला दें उसके बाद एक जगह हो जाए पटक लाद करके लेते चलते बनेगा। इसी तरह यहाँ पर भी सोचना पड़ेगा तो उसको रिप्लेस करने के लिए तुम क्या करोगे, किसी को भेज दोगे उस पैसा लोगे, उस पैसा क्या करोगे चावल खरीदोगे, फिर वो चावल को मिला कर क्या करना पड़ेगा, वही हाल यहाँ पे भी है। इसको सबसे पहले कोई एक चीज़ में यहाँ पे साइन है तो इसको भी सोच चुकी साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला तुम लोगों को बताया गया होगा कि साइन कॉस ए के क्या होता है, वन बट्टा साइन ए होता है, ठीक है। उसके बाद सेके में फॉर्मूला जो होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। ओके समझ में आया, आ गया, चल यहाँ पर ठीक है। वो होता है वाला फॉर्मूला लगा दो ना, उस कॉसेक ए है तो कॉसेक ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वन बट्टा साइन ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं साइन ए माइनस साइन ए है तो अपनी जगह रह गई, किसी के भी नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, वन रहता है तो वन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इंटू है तो इंटू सेके की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वन बट्टा कॉस ए माइनस यहाँ पे कॉस ए अपनी जगह पे तो कॉस ए रहेगा ही, रहेगा कि नहीं रहेगा, जिसके नीचे कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है, क्या रहता है, क्या रहेगा, वन रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये दिख क्या रहा है, फ्रैक्शन पर का ये है सब्ट्रैक्शन है एंड ये क्या है फ्रैक्शन पर का है कि नहीं, यानी कि बट्टा पे घटाओ यहाँ पे दोनों तरफ क्या बना है, बना देना आपको है कि नहीं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है साइन और वन का लोग अगर एलसीएम लेंगे या लघुगणक लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, साइन आएगा तो साइन ए आ गया, ठीक है, साइन से साइन कट गया और बच जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है वन से साइन करेंगे तो वन साइन आएगा और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो टू साइन, यहाँ पे देखो दो टू साइन का क्या होता है दो टू साइन यानी कि साइन स्क्वायर आ गया, तो दो सौ साइन को मल्टी दो को दो से मल्टीप्लाई करते तो क्या लिखते हैं टू स्क्वायर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो कोई दो को दो से मल्टीप्लाई करे तो क्या करेगा ये दो स्क्वायर लिखेगा या फिर दो को ऐसे करके लिख देगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करें, क्या करेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर लिखेंगे। अब वो यहाँ पे सिमिलर करेंगे जैसे साइन कर रहे हैं वैसे यहाँ पे क्या करेंगे कॉस का भी होगा वन माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए। अब तुमको एक फॉर्मूला तुमको मालूम होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, वन होता है, उसका यूज कर लो ना साइन स्क्वायर ए। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे हम तुमको लिख दे रहे हैं आप लिख दें चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ठीक है आप लिख चलो यहीं पे लिख दे रहे हैं क्या लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर दिखा करके मिटा देंगे ठीक साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है वन आता है। हमको क्या चाहिए यहाँ पे बढ़ता है तो बड़ा को हम लोग क्या हमेशा करना चाहते हैं छोटा करना चाहते हैं ठीक है तो बड़ा को हमेशा छोटा करने की कोशिश करने में क्या करना पड़ेगा देखो तो साइन है हमको माइनस में चाहिए इधर साइन किस में है प्लस में है उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा माइनस में तो कॉस अपनी जगह पर रहेगा ही रहेगा वन है प्लस रहेगा तो उधर जाकर क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए जहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर यहाँ पे कॉस माइनस में गया हुआ है अगर कॉस माइनस में गया हुआ है इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कॉस को हमको यहाँ पे भगाना पड़ेगा यहाँ पे कॉस को भगा देंगे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे रह जाएगा साइन स्क्वायर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर समझ में आ गया ठीक है समझ में आया कि नहीं आया ठीक है चल ठीक है इसको यहाँ पे लिख दो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए अपनी जगह पे रहेगा ही
ठीक है, इन टू तो इन टू, यहाँ कुछ नहीं तो क्या रहता है, इन टू या मल्टीप्लीकेशन रहता है, ठीक है। वन माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बेटा क्या आ गया यहाँ पे, कॉस ए। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दो टू कॉस बेटा बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या टू बेटा बैठा हुआ है, एक टू कॉस बेटा बैठा हुआ है, तो क्या करेगा ये ढेला मार के इसको गिरा देगा। ओके, क्या करेगा इसको ढेला मार के गिरा दिया। यहाँ पे भी क्या किया, साइन को इसको गिरा दिया, यहाँ पे क्या बच गया, कॉस बचा, यहाँ पे क्या टू साइन बचा, एक टू बचा, नीचे का वन वन बच गया, वन को लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है, बार बराबर। यहाँ पे क्या बच गया, कॉस ए बच गया, इन टू है तो इन टू, यहाँ पे क्या बच गया, साइन ए। अब क्या करना है, अब आर एच एस को भी सॉल्व करके हमको कितना लाना पड़ेगा, इतना लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, इसको भी हम बना सकते हैं, टैन ए साइन ए बना सकते हैं, लेकिन चलो वन बट्टा टैन ए आर एच एस ले लेते हैं। आर एच एस क्या है, क्या दिया होगा आर एच एस बताओ, वन बाई टैन ए प्लस क्या है, कॉट ए, वन प्लस क्लियर, ठीक है, कॉट ए। ठीक, वन बटा टैन है, टैन ए का फॉर्मूला तो लोग पढ़ा होगा, क्या होता है टैन ए का फॉर्मूला, टैन ए को यहाँ पे देखो क्या है, हमको साइन कॉस में चाहिए, तो टैन ए का फॉर्मूला साइन कॉस में क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, साइन ए बट्टा कॉस ए, और कॉट का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, कॉस बाई साइन, यानी कि टैन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, और कॉस का उल्टा कॉट का उल्टा क्या होता है, टैन होता है, समझ में आया, ये वाला फॉर्मूला मालूम है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, यूज करने वाले हैं, ठीक, तो वन है तो वन आ गया यहाँ पे, टेन, टेन के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन ए बट्टा क्या लिख सकते हैं, कॉस ए। ओके, प्लस है तो चलो कॉट, कॉट के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं, नीचे दिख रहा है बट्टा पे क्या दिख रहा है, जोड़ दिख रहा है, जोड़ दिख रहा है, तो दोनों का क्या करो, एलसीएम ले लो, वन तो अपनी जगह पे रहेगा ही, रहेगा वन, ठीक है, रहेगा साइन और कॉस का एलसीएम क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक। अब देखो इसको क्या करना पड़ता है, इससे इसको डिवाइड करना पड़ता है, तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, साइन बचेगा, साइन बचेगा, यहाँ का जो साइन बचा इस साइन, इस साइन से मल्टीप्लाई होगा, होगा तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन आया, साइन बचा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर ए आ गया, प्लस है तो प्लस बीच में दे देंगे, सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, कटेगा तो कट गया साइन से साइन, तो यहाँ पे क्या बचा, कॉस बचा, कॉस को अब कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, वन आ गया यहाँ पे, अब एक तो फॉर्मूला मालूम होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, वन होता है, ठीक है, अच्छी बात है, वन होता है, यहाँ पे क्या बच गया हुआ है, साइन ए इंटू क्या हो गया, कॉस ए। इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसको किससे भाग दे रहे हैं, इससे भाग दे रहे हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वन, ठीक है, इसके नीचे वन रह गई, इसको क्या कर सकते हैं, इसको किससे भाग दे रहे, वन बट्टा किससे भाग कर रहे हैं, साइन ए इंटू किससे कर रहे हैं, कॉस ए से। जब भी भाग बनाते हैं हम लोग बट्टा पर का, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उलट देते हैं गुना में, गुना में बदल के बनाते हैं ना, गुना में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले को ऊपर भेजते हैं। अब वन से वन तक किसी में भी, अगर एक करोड़ में तुम अगर वन से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, एक करोड़ ही आएगा, इसलिए साइन ए को कॉस ए से गुना करने पर और वन से गुना करने पर क्या आ जाएगा हमको, साइन ए इंटू कॉस ए, ये तुमको दिख रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए दिख रहा है, इंटरचेंज दोनों क्या होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है, यानी कि दोनों क्या होगा, बराबर होगा, या आर एच एस जो है किसके बराबर आ गया, एल एच एस के बराबर आ गया, यानी क्या हो गया, प्रूव हो गया। ओके, खत्म, बन जाएगा, चल ठीक है।